असलामु अलैकुम, हमने स्टार्ट किया हुआ था ये इसको लेबर को, और अभी तक हमने इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन और इंटरनल रोटेशन की थी। इसको गेन देख लें, यहाँ पे इंगेजमेंट, डिसेंट और फ्लैक्शन हुई यहाँ तक, ठीक है, और फिर हुई इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये इंटरनल रोटेशन जिसमें एपी डायमीटर में आ गया था बेबी का हेड, ताकि वो पेल्विक आउटलेट से क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात करनी है, जब पेल्विक ये पूरी इस तरह से इंटरनल रोटेशन हो जाएगी, ये हो गई ये, ठीक है, अब बेबी ने करना है एक्सटेंड, अपने हेड को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है इसमें ये होगा कि बेबी का जो हेड आएगा यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल नीचे, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल नीचे आएगा यहाँ पे, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बेबी का हेड हो जाएगा एक्सटेंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड, जो क्राउनिंग मैंने आपको दिखाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा और जो है वो इस तरह से आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्सटेंशन करेगा, ये देखें एक्सटेंशन, ठीक है, गर्दन उसने पीछे को ले गया, फुल एक्सटेंशन हो गई, ये एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन हुई। और उसके बाद जो है बेबी का एक आएगा एक्सटेंशन के बाद रेस्टिट्यूशन फेज़। रेस्टिट्यूशन फेज़ में ये होता है कि बेबी जो है वो अपने शोल्डर्स को अपने हेड के साथ अलाइन कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जो है ना रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा एक फ़ेज़ आता है दरमियान में, बस आपने इसके नाम को याद रखना है कि इसमें हेड जो है वो शोल्डर्स के साथ अलाइन होता है, मतलब हेड तो बाहर आ गया एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है, लेकिन शोल्डर्स ने भी तो बाहर आना है, तो शोल्डर्स बाहर आने के लिए थोड़ा सा अपने आप को लाइन करते हैं विद द हेड। ठीक है, तो उस दौरान जो है वो एक थोड़ी सी रोटेशन होती है ऑक्सीपुट की 1/8 ऑफ द सर्कल में। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, देन इज़ अ एक्सटर्नल रोटेशन। अब देखें, अब बेबी जो है वो रोटेट करेगा एक्सटर्नली, ये देखें, ये एक्सटर्नल रोटेशन हुई। एक्सटर्नल रोटेशन में जब बेबी आ जाता है हुदी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शोल्डर्स जो हैं वो एपी प्लेन में आने होते हैं ना। अब देखें, शोल्डर्स एपी प्लेन में आ गया, पहले हेड एपी प्लेन में था बाहर आने के लिए, अब शोल्डर्स ने एपी प्लेन में आना है तो वो एक्सटर्नल रोटेशन करके आएंगे, हेड जो है वो एपी प्लेन में आने लगे थे तो इंटरनल रोटेट कर रहे थे। ठीक है, क्यों एपी प्लेन में आना है शोल्डर्स ने, क्योंकि वाइडेस्ट डायमीटर आउटलेट में है ही एपी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है एक 1/8 ऑफ द सर्कल पे ऑक्सीपिट रोटेट करेगा ट्रांसवर्स पोजिशन में, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल रोटेशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीपिट जो था वो पहले ऐसे था ना, इंटीरियर पोस्टीरियरली था, ऑक्सीपिट आपका ऐसे हो गया थोड़ा सा 1/8 ऑफ द सर्कल पे हुआ, जिसकी वजह से शोल्डर्स जो है वो बाहर आएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हम बेबी का सर को नीचे करेंगे ताकि इंटीरियर शोल्डर बाहर आ जाए, और फिर हम बेबी के सर के थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये हमने बेबी को नीचे किया थोड़ा, उसका इंटीरियर शोल्डर बाहर आया, और फिर हमने बेबी को ऊपर किया थोड़ा ताकि उसका पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आए और बेबी बाहर। ठीक है, तो क्या हमने बेबी को बाहर निकाल लिया। सो दिस इज़ द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड द फीटल बॉडी। ठीक है, तो दोबारा से देख ले, मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हुई engagement, flexion and descent till this। अब क्या होगी, ये flexion हुई थोड़ी, और ये हुई कौन सी rotation, ये internal rotation AP diameter में आ गया। अब क्या होगी, internal rotation के बाद baby आएगा बाहर extend करके, extension, then एक्सटर्नल रोटेशन जिसमें एपी डायमीटर में आएंगे शोल्डर्स, और फिर बाहर आएगा, और नीचे को किया एंटीरियर शोल्डर, ऊपर को किया पोस्टीरियर शोल्डर, डिलीवर हुआ और बेबी बाहर। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल द स्टेजेस ऑफ लेबर एंड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है कुछ मैल प्रेजेंटेशन देखेंगे, उनकी डिलीवरी हम कैसे करते हैं। ये तो हमने नॉर्मल डिलीवरी देखी है, ठीक है, मैल प्रेजेंटेशंस की डिलीवरीज, मतलब ब्रीच डिलीवरी हम कैसे करेंगे, अगर बेबी की पोजीशन जो है वो ऑक्सीपिट इंटीरियर होने की बजाय ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है तो फिर हम कैसे डिलीवरी करेंगे,
ठीक है, अगर बेबी की कोई और पोजीशन है लाइक वो ट्रांसवर्स लाई में है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर बेबी की फेस प्रेजेंटेशन है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ये सारी हम मतलब डिलीवरीज करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। एबनॉर्मल लेबर इज ऑन ऑपोजिट टू द नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर चल रही है उसके ऑपोजिट हो जाएगा एबनॉर्मल लेबर, उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह एंड देन वी विल एंड दिस टॉपिक विद सम रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर डिस्टोसिया होगा, ठीक है, फिर वी हैव द एपिजियोटमी उसको डिस्कस करेंगे, फिर एम्ब्लाइकल कॉर्ड अगर नीचे आ जाती है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे कुछ टॉपिक्स इसके साथ साथ मिक्स होके, लेबर का चैप्टर भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स होंगे ऑप्स के वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो माइनर टॉपिक्स रह जाएंगे ऑप्स के छोटे मोटे लेबर, क्योंकि आपको पता है ऑप्स के जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक्स हैं वो लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। जब वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो माइनर जो हमारे हैं प्लेसेंटा प्रीविया है या पोस्टमार्टम हेमरेज एक्सेट्रा, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो फिर छोटे मोटे रह जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपके ऑप्स कंप्लीट हो जाएगी, और गायनी का ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, थोड़े से रह गए मतलब के माइनर टॉपिक्स कह सकते हैं वो रह गए हैं इंशाल्लाह, सो विल कंप्लीट लाइक दिस, ठीक है। सो मैंने आपको बताना था कि थोड़ा सा प्लान कि व्हाट विल बी माय प्लान इन द नेक्स्ट डेज इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेबर जो इसका है पार्ट।